नमस्ते नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। हमारा सबसे लंबा वाला रोड ट्रिप नया गाड़ी लाने के बाद यही वाला होने वाला है, बेंगलुरु टू ब्रह्मपुर, मेरा हमारा होम टाउन उड़ीसा। तो वो वाला ट्रिप होगा, लेकिन हम इधर से बेंगलुरु से डायरेक्ट ब्रह्मपुर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे थ्रो चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में हमारा कुछ काम है। हम उधर 2 दिन रहने वाले हैं, कोई घूमने का प्लान नहीं है, लेकिन 2 दिन हम उधर रहने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वो क्यों जा रहे हैं चेन्नई, उसका डिटेल यही ब्लॉग में बताएंगे। और ये ब्लॉग को हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इधर से सीधा हमारा ब्रह्मपुर पहुँचने तक का एक ही ब्लॉग करेंगे, क्योंकि इतना सारा काम है हमारा। मेरा ऑफिस का छुट्टी नहीं है, मैं नाइट शिफ्ट में कल काम किया, आज वर्किंग डे है। मैं होटल में जाके चेन्नई में काम करूँगा 2-3 दिन, उधर भी नाइट शिफ्ट ही करूँगा। मेरा बीच में एडिटिंग है, अपलोड है, वीडियो एडिटिंग, नाइट शिफ्ट का काम, इधर चेन्नई का काम, आयुष्मान का स्टडी, बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही हेक्टिक ये जर्नी है। लेकिन हम जॉयफुली करने की कोशिश करेंगे, लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आए हम थोड़ा बहुत जॉयफुली करने लगेंगे तो आराम से हो ही जाएगा। दिन तो समय तो वैसे भी कटेगा कुछ ना कुछ होके, वैसे बहुत लंबा जर्नी है, ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, निकलते हैं सीधा। ओके, मामा रेडी हो रही है, इसलिए ब्लॉक में नहीं है। मामा रेडी होने के बाद हो गई ऑलरेडी, मुझे लगा हो गई ना। हाँ, वो रेडी है, चलो। जय जगन्नाथ। रेडी, चलो। बहुत लंबा जर्नी है, नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे 4-5 घंटा ही मैं सोया हूँ। गाड़ी में हम नया सीट कवर भी डाल दिया, कुछ 18,500 ये लिया, काम अच्छा लग रहा है, गुड। और हम ट्रिप को जीरो करते हैं, फिर कितना माइलेज दिया वो भी देखेंगे। पूरा घर पहुंचने के बाद एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे गाड़ी का रिव्यू के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है। अभी निकलते हैं, 1 o'clock हो रहा है, 6 बजे 6 आवर्स या 7 आवर्स का जर्नी होगा, रात तक हम पहुंचेंगे चेन्नई। टपअप टपअप पूरा फुल, बस हाँ हो गया, बस हो गया, फुल है पूरा। गाड़ी का भी हमारा पेट फुल हो गया, अभी सीधा फोकस हमारा ड्राइविंग पे। और ओके, नेशनल हाईवे में टर्न लेफ्ट करेंगे, नेशनल हाईवे 44 में सीधा कंटिन्यू करेंगे, कृष्णागिरी के पास होता ना, नेशनल हाईवे 44। ओके ओके, समझ गया। होसुर टोल आफ्टरनून में जा रहे हैं, एक भी ट्रैफिक नहीं, सिर्फ हम ही हम है। तमिलनाडु, कर्नाटका से तमिलनाडु में घुस गए, पता नहीं और कितना स्टेट हम क्रॉस करेंगे। आयुष्मान और क्या, ये आंध्र ही है ना, आंध्र प्रदेश फिर उड़ीसा, एज सिंपल एज दैट। हम चेक इन कर लिए होटल में, आप लोगों ने तो देख लिया। अभी हो गया शुरू आयु का पढ़ाई, आज जितना होमवर्क था और जब क्लास वर्क वो सब अभी वो लिख रहा है। अभी हमको लगभग 5 आवर्स लग गया, वैसे वॉकिंग डे पे हम आए ना, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, पूरा एकदम खाली रोड था, जबरदस्त रोड। हम जो रूट लेके आए ना, वो कृष्णागिरी से लेफ्ट लेके वेल्लोर होके चेन्नई हाईवे, बेंगलुरु चेन्नई हाईवे में सीधा इधर पहुंच गए। जब सिटी में एंट्री किए थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड है हर सिटी में। और ये कौन सा होटल है, ट्रिबो ट्रेंड एलान, वैसे टूरिस्ट वैसा है, मुझे नहीं लगता इधर कोई आके सिटी के अंदर रुकने वाला है, क्योंकि हमारा थोड़ा ऑफिशियल वाला काम है 2 दिन का। वैसे बता देता हूँ क्यों आए हैं इधर, आपको तो पता है हम US क्लाइंट के लिए काम करते हैं, कंपनी US भी गए थे, तो हमारा तो वीसा है ही ऑलरेडी, 7 ईयर्स तक वैलिड है। तो आयुष्मान और मानी का वीसा नहीं हुआ था, तो ऑफिस अभी ऑफिस के थ्रू वो सब हो रहा है,
माननीय आयुष्मान का हिस्सा होगा, इसलिए 2 दिन, एक दिन बायोमेट्रिक्स होगा जो कि फिंगरप्रिंट सोशल लगेंगे, दूसरा दिन काउंसलर इंटरव्यू रहेगा, तो इसलिए 2 दिन हम इधर रुकेंगे और फिर जाएंगे हम उड़ीसा ब्रह्मपुर। एक्चुअली उड़ीसा जाने का प्लान ऑलरेडी था, मतलब मेरा वापस आने का प्लान नहीं था, लेकिन उड़ीसा जाने का ये लोग का सारे प्लान था, टिकट सब बुक हुआ था ट्रेन में, वो सब मैं जब आ गया तो वो सब कैंसिल करके फिर हम गाड़ी में प्लान बनाया, और बीच में ये वाला भी शेड्यूल एकदम परफेक्टली यही टाइम पे आ गया, मतलब हमारा गांव का जो प्लान था 3 दिन पहले ये वाला भी हुआ, तो मतलब चलो वैसे ऑफिस ही सब कुछ अगर अरेंज कर रहा है फॉरेन ट्रिप का, राइट, वीसा से लेके टिकट्स विकेट सारे एवरीथिंग, अगर ऐसा मौका मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है, ये लोग भी जाके US दे के आ जाएंगे, जो कुछ भी होगा वीसा का जो अप्रूवल रेट रहता है ना वो मतलब रिजेक्शन रेट 15% है, तो जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो ईश्वर का आशीर्वाद समझ के ले लेंगे। तो आपको तो पता है हम वही प्रोजेक्ट में, तो हम फिर से वापस जा सकते हैं, जाएंगे बहुत जल्दी, जाना पड़ेगा, जाएंगे फिर से 2-3 महीने के बाद फिर से आएंगे जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्या मुझे पसंद है ना पसंद है, मेरे पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं चलता है, खास करके कंपनी में, या ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ तो पब्लिकली हम बात नहीं कर सकते, तो यही रीज़न है, यही मैं ये करने वाला था। 2 दिन तक कुछ काम नहीं है, ऐसे ही सुबह ये लोग जाके आएंगे, ये फिर मैं अभी तो काम करना पड़ेगा, इतना ड्राइव करके आया फिर बैठ के रात तक सुबह तक 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो यही ज़िंदगी है, हर एक का कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता है लाइफ में, लगता आसान है देखने से बाहर से, लेकिन हर एक का प्रॉब्लम रहता है, आप लोग का भी रहेगा 100% कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही लाइफ चलता रहता है। बस एनीवे 2 दिन के बाद रिजल्ट बताते हैं आपको क्या होगा फिर हमारा जर्नी कंटिन्यू करेंगे। Day 2 एट चेन्नई। तो आज सुबह दोनों गए बायोमेट्रिक्स के लिए, जो एक रहता है, राइट, हमारा 2 अपॉइंटमेंट रहता है बायोमेट्रिक्स वाला, तो आज सुबह गए और वो 1.5 घंटा 40 मिनट में ही हो गया, तो वैसे कुछ काम तो था नहीं, मेरा जो ऑफिस का काम शुरू होता है वो तो रात को होता है 8 बजे, तो हमारे पास एनफ टाइम था, खा पी के थोड़ा रेस्ट किए फिर पहुँच गए हम मरीना बीच। नहीं, हॉर्स राइड बाद में करते हैं, अभी नहीं, थैंक यू। तो इधर हम आ गए, मैं इधर आया था कुछ 18 साल पहले, ये मेमोरी है मेरा जो पहला जॉब था चेन्नई में था, 1 महीने के लिए मैं इधर चेन्नई आया था, तो मरीना बीच में आया था, तो हम फिर से फैमिली के साथ मरीना बीच में है, होटल से बहुत नज़दीक था ये, 10 मिनट का राइड था, तो वैसे हम गाड़ी छोड़ के टैक्सी लेके आ गए, इधर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे फिर जाएंगे, चलो मौका मिल गया देखने के लिए, ये लोग वैसे चेन्नई में 2 दिन तो वैसे कुछ और था नहीं काम, मरीना बीच ही देख लेंगे पानी तक पहुंचने के लिए ही हमको कम से कम 10-15 मिनट लगा रहेगा। वाइड बीच है ना, बड़ा वाइड क्या मतलब, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्बन बीच, नहीं सेकंड लॉन्गेस्ट, इंडिया का फर्स्ट है, इतना लंबा बीच है, 13 किलोमीटर का बीच है, आप इधर चलोगे तो मतलब दिन भर चलते ही रहोगे इतना इधर पहुंचने के लिए रोड से कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लगा। अच्छा हुआ हम इवनिंग को आए, नहीं तो धूप धूप रहता, मज़ा नहीं आता, अभी सही टाइम है। यस, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा इवनिंग वाला टाइम बीच में, बहुत बढ़िया हवा चल रहा है, मज़ा आया। चलो अभी वापस रूम पे चलते हैं और कल हमारा जर्नी फिर से कंटिन्यू होगा, ब्रह्मपुर वाला जर्नी, वैसे हमने तो सिर्फ 320 किलोमीटर ही कवर किया है, 1100 किलोमीटर और भी कवर करना है, तो इन लोग का इंटरव्यू के बाद, वीसा इंटरव्यू के बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जर्नी कल।
डे 3 चेन्नई में हैं हम, और आज सुबह सुबह ये लोग गए यूएस कॉन्सुलेट, यूएस एम्बेसी के कॉन्सुलर इंटरव्यू के लिए, और इनका हो गया, वीसा अप्रूव हो गया। लेकिन जाएंगे तो नहीं अभी, मैं जाऊंगा, अगर उधर रुकूंगा फिर से वापस आऊंगा मैं नेक्स्ट ईयर, फिर आयुष्मान का एग्जाम के कुछ बाद। ईश्वर के हाथ में और इनके प्रोजेक्ट के हाथ में ही है जो कुछ, मैं पहले से ऐसे बोला, जो कुछ भी है उसके उसके मर्जी से ही होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन सिंस मेरा वीसा है तो इनका भी होके रहना जरूरी था, मिस हो गया था वो, चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपके हस्बैंड किधर रह रहे बस उतना ही। हाँ, डिपेंडेंट वीसा ना, ज़्यादा कुछ ये नहीं होता, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते, बट एनीवे हो गया। अभी सब कुछ लैंग्वेज में भी है, कन्नड़ मलयालम तेलुगु सब ऑप्शन देते हैं, हिंदी इंग्लिश। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो एनीवे हमारा 1100 किलोमीटर अभी भी बाकी है घर पहुंचने के लिए। आज वैसे अभी 11 o'clock, इतना जल्दी होगा हमको नहीं पता था, क्योंकि मैं जब गया था ना 10:30 को था अपॉइंटमेंट। हाँ, 10 o'clock को छोड़ दिया और 10:30 के अंदर आधे घंटे के अंदर सब कुछ होके आ गए। मैं जब गया था ना 2 घंटे के आसपास लग गया था। एनीवे चलो हमारा जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लंबा जर्नी है, 1100 किलोमीटर, 11 बज रहा है अभी, हो सकेगा तो विजयवाड़ा तक कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कंटिन्यू, चलो एक घंटा हमको लगा चेन्नई क्रॉस करने के लिए, अभी 12 बज गया, लेकिन नेशनल हाईवे 16 पे हम आ गए। अभी थोड़ा लाइफ सुकून होगा होपफुली, लेकिन ट्रक तो बहुत ज़्यादा है दिखा लेकिन शायद खाली हो ही जाएगा आगे जाके। इधर से यही पर्टिकुलर जगह से विजयवाड़ा है 432 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 12, मतलब होपफुली विजयवाड़ा तक जा पाएंगे। क्या बोलते आयुष्मान, जा ही पाएंगे? ओके ओके, देखते हैं। एक डेढ़ घंटे में रुकाएंगे लंच के लिए, किधर खाएंगे, वैसे हैवी ब्रेकफास्ट किए थे हम। बेंगलुरु से अभी हम 456 किलोमीटर आगे हैं, हम जो रूट ले रहे हैं ना, वैसे बेंगलुरु से चेन्नई तो है ही, फिर चेन्नई से नेल्लोर, अंगोल, विजयवाड़ा, विशाखपट्टनम, ब्रह्मपुर, ये वैसे नेशनल हाईवे 16 है, जो कि कोई भी बेंगलुरु से जाएगा हमारा उड़ीसा होके इवन कोलकाता तक, राइट, ये पूरा नेशनल हाईवे 16 है। और अभी तक तो रोड का कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है, बीच बीच में थोड़ा बहुत डाइवर्सन का काम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। पहले जब हम आए थे 3 साल पहले ना, 3 साल लॉकडाउन के बाद, तुरंत बाद, तभी तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। अभी एनीवे हम तो वैसे पहुँचे नहीं विजयवाड़ा अभी, बट अभी तक रास्ता एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बटर स्मूथ। भूख लग रहा है यार, 1:23, तो अभी ढूंढ रहे हैं किधर खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा है। एक्चुअली हमारा इधर ना दाल चावल भी है अंदर, लेकिन उसके साथ और कुछ चाहिए रहता है हमको, सिर्फ दाल चावल से काम नहीं चलता। सब्जी कुछ अगर होता तो बहुत सारा अच्छा अच्छा जगह, मस्त लोकेशन दिख रहा था, किधर भी लगा के खाना बना ही लेते थे। बट एनीवे देखते हैं, अभी एक होटल तो 20 किलोमीटर में कुछ तो दिख रहा था, खाना खाएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मेन है कि खाना खाने से पहले ना, लंच से पहले अगर कुछ ये कर देते हैं, नहीं वो छोटा सा है, हाँ जितना ज़्यादा जगह डिस्टेंस कवर कर लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नींद आता ही है खाने के बाद चलाने में। रोड एकदम स्मूथ, नाम देख के लग रहा है मन्नाहुरी रुचुलु, प्योर आंध्रा स्टाइल, लागो ना, तीखा तो लगेगा ही, देखते हैं अभी। चलो भाई खाना खाते हैं, 1:30 हो गया। क्या आयुष्मान, भूख भी लग रहा है आयुष्मान को, थोड़ा एसी ऑफ कर दे। क्यों, आपको भूख नहीं लग रहा है? सिर्फ आयुष्मान को ही भूख लग रहा है। आयुष्मान को ज्यादा लग रहा है। मैं क्या, मैं बिना खा के भी चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गाड़ी चलाने वाले इंसान है, खा पी के जाने में ज्यादा वो पता चलता है शरीर देखकर, कौन खाता पीता है और कौन नहीं खाता है। हम 9 महीना लगा था हमको
5 किलो कम करने के लिए, 3 किलो 2 महीने के अंदर बढ़ गए, ऐसा होता है हालत। आप चल ओके। वैसे तो हमको अच्छा लगता है कि थाली ही बेस्ट, क्योंकि ये पूरा सिंपल सा रहता है, तीखा कुछ नहीं है। पता नहीं खाने के बाद पता चलेगा, आंध्रा थाली है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। नहीं तो हमेशा जिधर भी जाते हैं पूरा थाली सिंपल ही रहता है, कोई तीखा भी कुछ नहीं है। तीखा लग रहा है तुझे? नहीं 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 नहीं, ये वाला खाया रोटी के साथ। ये क्या है? ये एक्चुअली क्या होते हैं, तंदूरी हो रहा है, डंडा खाई लिया है। हाँ हाँ डंडा खाई, थोड़ा सा पुलाव राइस, कर्ड, ये सांबर होगा, ये सांबर, ये रसम। हाँ ये सांबर, ये रसम, ये दाल, ये ब्रिंजल का कोरमा होगा शायद, ये पता नहीं। तो चटनी टाइप लग रहा है, कांवरिया साग है ये, वो जो खट्टा वाला साग, हाँ, हाँ। साग रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, कांवरिया साग हम उड़िया बोलते हैं, हमको वही पता है। तार चटनी ना ऐड गुंगुरा की चटनी, गुंगुरा चटनी। ये दाल भी पप्पू पप्पू बोलते हैं इसको, खट्टा वाला दाल है ये। अरे पप्पू को जानना है, पप्पू या कुछ तो बोलते हैं सर, दाल दाल जो है ना वो खट्टा लग रहा है थोड़ा, पप्पू खट्टा है। इसमें कोई साग भी पता नहीं, गोंगूरा ही मिलाया रहेगा पता नहीं। इधर का स्पेशलिटी है, मुझे लगता है जो पोड़ी रहता है ना कुछ तो दाल पाउडर टाइप, इधर एक्चुअल लोकल, हाँ लोकल ना मुझे नहीं पता, तो उसको थोड़ा डालते हैं, फिर देसी घी उसके साथ, बढ़िया टेस्ट आता है इसका। मतलब जैसे लोकल खाते हैं ना वैसा टाइप, ये सब ट्राई करने में ना बहुत मज़ा आता है, डिफरेंट डिफरेंट फूड मस्त। मतलब ये थोड़ा खट्टा टाइप भी लगता है ना, नहीं ज़्यादा खट्टा नहीं, मस्त खुशबू आता है दोनों का कॉम्बिनेशन में। घी भी डालता है ना इसलिए, पूरा घी देसी घी है, एकदम यूनिक। हम कर्नाटक में तो खाते ही हैं, तमिलनाडु में खाए, आंध्रा का भी एक्सपीरियंस हो गया हमारा, पूरा प्योर आंध्रा थाली, मतलब ऑथेंटिक आंध्रा थाली, सब कुछ खट्टा खट्टा, वो तो लगेगा ही, नेचुरल है, बढ़िया ऑथेंटिक खाना मिल गया हमको, सब कुछ ख़त्म कर दिया सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, गंगूरा चटनी, उसको नहीं ख़त्म कर पाए, इतना खट्टा था, बट बहुत ही बढ़िया लगा, खाना मस्त था, सिंपल था। अभी 330 किलोमीटर बाकी है, जो कि 5.5 घंटा दिखा रहा है, 8 बजे तक पहुँचेगी रात को। चलो लेट्स कंटिन्यू। रात बज गया भाई, हम अभी पहुँचे और ट्रिबो में एक होटल बुक कर लिया, सी प्लाजा करके, अच्छा है, छोटा सा होटल है, अच्छा है। आप अगर नेशनल हाईवे 16 पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको ऐसे ही एक नाइट स्टे करना है तो ये वाला हमको अच्छा लगा, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ट्रिबो का वैसे होटल ओयो से तो बेटर ही रहता है, तो ये वाला हमको रूम अच्छा है, वेरी वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन, लेकिन छोटा सा है, हम तीनों के लिए शायद बेड थोड़ा छोटा होगा। एक रात के लिए? हाँ सुबह हम 5 बजे उठ के फिर से ड्राइव करना पड़ेगा, तो इसका डिटेल मैं देके रखा हूँ भाई, एनी चांस कोई अगर ट्रैवल कर रहा है नेशनल हाईवे में, विजयवाड़ा के आसपास रहना है तो
ये कर सकते हो। वैसे गूगल मैप में आप जो सर्च बटन है ना उसमें ही आप क्लिक करके होटल्स करके सर्च करो तो आपको पूरा जैसे रूट है ना आपका लेफ्ट राइट आगे पीछे सब होटल दिखाई देगा, आपको जो पसंद है वो वाला सिलेक्ट करो, रिव्यू बेस्ट ऑन रिव्यू फिर आप बुक कर सकते हो। वैसे हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, 7 o'clock 8 बजे तक 8:30 तक सो जाएंगे क्योंकि हमको सुबह जर्नी कंटिन्यू करना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। हाँ तो बस मिलते हैं फिर से सुबह, चलो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। डे 4th, आज हम पहुंच जाएंगे अपने घर होम टाउन ब्रह्मपुर। मैं तो वैसे 1 साल से नहीं मिला पेरेंट्स से, ये लोग तो वैसे 3-4 महीने पहले ही आए जाके ना, दोनों उनके घर पे भी आए हमारे घर पे ही जाके आए, मैं तो गया ही नहीं, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। वैसे ये लोग एक्साइटेड है ही, और मेन चीज़ें हम तो पेरेंट्स को बताया भी नहीं, मतलब उनको पता है कि हम पहुंचेंगे संडे, लेकिन हम 2 दिन पहले पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जो वीसा वाला जो ये था ना स्केड्यूल सब, ये तो लेट में ऐड हुआ, ये तो था ही नहीं लिस्ट में प्लान में कभी। और हमारा तो सैटरडे को ही ट्रेन जर्नी था, सैटरडे का टिकट था। तो उनको वही पता है कि हम संडे पहुंचने वाले हैं, संडे पहुंचने वाले, लेकिन हम 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे तो वो भी देख के थोड़ा खुश हो जाएंगे। अनप्लान्ड हम पहुंच गए और होपफुली इवनिंग को पहुंच जाएंगे। अभी 6 बज रहे हैं ना, 6 बज रहा है, 6:10 किलोमीटर दिखा रहा है क्योंकि 11 आवर्स दिखा रहा है, बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे लंच करेंगे 1.5 घंटा से जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, लास्ट डे पहुंच जाएंगे। ये गोदावरी हम अभी अभी क्रॉस किए, फिर गोदावरी क्रॉस करने के बाद राजमंड्री आया ना, ये राजमंड्री है तो हम ब्रेकफास्ट भी कर ही लेते हैं। और जैसे ही हम गोदावरी क्रॉस करके राजमंड्री एंट्री के लिए ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत सारा ट्रक है। हम एज यूजल हमारा ब्रेकफास्ट पूरी आयुष्मान और मेरा और मानी का इडली, इडली चटनी दिखा, और वो एडी ये खा लो, मेरा जो पूरी के साथ जो करी दिया ना उसके साथ कर लो। ओब्वियसली ये साइड तो आंध्रा साइड थोड़ा तीखा रहेगा ही रहेगा, इसमें कर हम लगभग बहुत सारा है, मतलब अभी दिखा रहा है 4:15 को पहुंच जाएंगे, मतलब 100 स्पीड में हम आ रहे हैं, रास्ता पूरा एकदम खाली मिला हमको, फुल दोनों तीखा है, ये दोनों चटनी सही है, अच्छा ये भी थोड़ा सॉल्टी है, ब्रेकफास्ट मतलब ठीक ठाक ही था क्योंकि तीखा बहुत ज़्यादा तीखा था, और करी जो है ना पूरी के साथ जो करी दिया था हमारे स्टाइल की लगा, लेकिन सॉल्टी था, लेकिन थोड़ा आंध्रा में तीखा सॉल्टी ये तो काइंड ऑफ कॉमन रहता है, लेकिन कल जो खाए एकदम ज़बरदस्त था। और अभी तक का रास्ता तो एकदम ज़बरदस्त है, राजमंड्री तक पहुंच गए, नेशनल हाईवे 16 से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट है रोड कंडीशन। पहले हम दो साल से पहले आए थे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चला था, अभी तो पूरा ख़त्म सब कुछ, एकदम परफेक्ट, सब फ्लाई ओवर ओपन, अच्छा है, दोनों तरफ ना पूरा पेडी फील्ड, इतना अच्छा लग रहा है कि चलो रुको उधर ही एक वीडियो शूट करो। मैं ड्रोन नहीं लेके आया ना, नहीं तो ड्रोन शॉट उधर ना बहुत बढ़िया लगता है, हाईवे दोनों साइड पेडी फील्ड मस्त लगता है, मैं ड्रोन भूल गया घर पे ही। ओके आयुष्मान तो खाके सो ही जाता है पूरा, अभी तक नहीं सोया, अभी तक नहीं सोया, अभी क्या कर रहा था ये ब्रेकफास्ट से पहले? नहीं सोया था, सोया था बीच में ना, सोई थे ना, कौन है सोया था आयुष्मान, 1 घंटा सोया रहेगा मिनिमम। अभी नेक्स्ट है हमारा लंच ब्रेक के लिए शायद वाइजाग, या वाइजाग हम क्रॉस करेंगे क्योंकि मुझे लगता है वाइजाग 12:30 तक
पहुंच जाना चाहिए। अभी 9:11 हुआ, नहीं इतना टाइम भी नहीं लगेगा, अभी 9:11 हो रहा है, राजमंड्री हमने क्रॉस किया, इधर से कुछ 160-170 रहेगा वाइजाग विशाखापट्टनम। 190 लिखा था क्या? हाँ वही कोई 180 टाइप ही रहेगा। हाँ 3 आवर से कम ही लगेगा क्योंकि हम 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। ग्रीन ग्रीन, हाँ सुपर ग्रीन, दोनों तरफ है, दोनों तरफ। और 258 किलोमीटर बाकी है घर पहुंचने के लिए। मुझे लगता है विशाखापट्टनम बाईपास, मतलब विशाखापट्टनम नहीं आया, पूरा बाईपास होके आगे। एक्चुअली एक बार हम लास्ट टाइम ना जब आए थे विशाखापट्टनम, ऐसा होके आए थे, सिटी तो हमको दिखा था, और एक चेन्नई श्रीकाकुलम हाईवे में आए थे ना, और एक बार रात को जाने के टाइम पे रात हो गया था, तो चेन्नई श्रीकाकुलम हाईवे करके कुछ दिखा, उधर हम घुस गए, ट्रक की ट्रक है, एकदम बेकार रोड। अभी तो मतलब एकदम भयंकर रोड है यार, एक गाड़ी नहीं नजर आ रहा है, कब से चला रहे हैं, एकदम परफेक्ट वाला रोड। मुझे लगता है विशाखापट्टनम पूरा बाईपास हो गया, दूर दूर तक कोई सिटी नहीं नजर आ रहा है, ये आगे आएगा पता नहीं, क्योंकि अभी भी 257 किलोमीटर बाकी है, दिखा रहा है, इधर क्रॉस हुआ रहेगा या पता नहीं आगे आएगा, क्रॉस हो गया रहेगा यार, विशाखापट्टनम तो 280 किलोमीटर है ब्रह्मपुर से, क्रॉस हो गया रहेगा ये। एनीवे मस्त रोड है। लंच ब्रेक, एक्चुअली पहुंचने के लिए और भी कितना 140 किलोमीटर बाकी है, तो खाना खा लेते हैं। हमको कोई दिख नहीं रहा है, कोई मतलब खाना रेस्टोरेंट कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओबियसली हम हाईवे में आ रहे हैं, राइट। आपको अगर जाना है तो फिर डाइवर्ट लेके नीचे किधर जाना पड़ेगा, तो हमको ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ दिखा, राजस्थान नावा लिखा है। और अरे यार एक प्रॉब्लम हो गया, देखो कांच टूट गया गाड़ी का, दिख रहा है क्या? पता नहीं कैमरा में आ रहा है, पता नहीं कैसे हुआ, मतलब ऐसा समझ में नहीं आया कैसे वो टूटा। पूरा रास्ता खाली था, कुछ नहीं, लेकिन सामने एक ट्रक था, मुझे ऐसा लगा ट्रक से कुछ तो निकला, गिरा या ऐसा कुछ। ये देखो इधर टच हुआ और पूरा क्रैक आ गया, पूरा विंडशील्ड को अभी चेंज करना पड़ेगा। नहीं ये फाइबर रहता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे क्या कर सकते हैं, जो होना रहेगा तो होता ही रहता है। ये ट्रिप में वैसे हमको अलग अलग फूड का एक्सपीरियंस हो रहा है। वैसे तमिलनाडु में हम कुछ रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि जोमेटो से ऑर्डर कर रहे थे ना, अभी आंध्र बिरयानी और पुलाव ऐसे टाइप का ही खाए। और आंध्र प्रदेश में तो हमने ऑर्डर किया, देखा आपने पूरा उनका आंध्रा स्टाइल का थाली, और इधर हमको आंध्र प्रदेश में राजस्थानी थाली मिल गया। ये छोले बीन्स आलू है ना, ये बीन्स नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, रोप बीन्स है, रोप बीन्स का आलू हो जाए, और हम एक्स्ट्रा पनीर चिली और दाल, सही है, हाँ बढ़िया है, मस्त लग रहा है। वैसे फूड देख के तो मस्त लग रहा है, टेस्ट देखते हैं कैसा है, टेस्ट अच्छा है, सही है। आयुष्मान को अच्छा लगा तो और क्या चाहिए हमको। हो भल होगा, साउथ रो खाई खाई टे होता 3 दिन है नर्थ में राजस्थान था। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा खाना, घर का खाना जैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलो घर पे सीधा मिलते हैं, ये आयुष्मान घर पे मिलते हैं सीधा, 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। चलो ओ छयाणे अच्छे कि 96.70 खाली बेंगलोर या सस्ता आना पड़ोस 87 ना 88 पूरा एता कर दियो, हाँ माने टॉप अप कर दियो, हाँ मतलब मु माइलेज हिसाब करती तो
हम पूरा घर तो पहुंच ही गए, 2 किलोमीटर है, इसलिए पेट्रोल फिल कर लिए। घर जाके कैलकुलेट करेंगे माइलेज कितना आया और आप लोग को बाद में बताएंगे। पहुंच गए जी, घर पहुंच गए। हमने टोटल आए 1408 किलोमीटर बेंगलुरु टू ब्रह्मपुर भाया चेन्नई। और ये भी बता देते हैं कि माइलेज, रियल टाइम माइलेज क्या है और कितना दिया। मेरे हिसाब से जो मैं कैलकुलेट किया 92.33 लीटर का डीजल हमने डाला, तो आप हिसाब कर सकते हो राइट, 1408। तो हमको जो माइलेज आया 15.24, वो माइलेज है टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड। और डीजल का टोटल खर्चा आया 9062। और इधर क्या बता रहा है, फ्यूल इकोनॉमी 18 बता रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस आता है। अच्छा ठीक है, 15 का माइलेज है, 15.24 का माइलेज एक्चुअली हमको मिला ऑल टाइम एसी। लेकिन हम हाई स्पीड में चले आए भी, 100 के ऊपर, 90 के नीचे तो आए नहीं। तो ये था अपडेट आपको, माइलेज अपडेट। अरे ये मो पिलाना पड़े नहीं है मो पपा लो ए ये मो जान मो फोन मो कैप्टन मारी मिल रे मो पपा मो आज ही फोन खाली ए बहन मो भूल के कौन से फोन रे मो ले ले मोरे कौन सप्ताह जी दो छि गेलो जे मो पॉकेट पे मारी मिल सब के भाबू छिलो मो फोन खाले ये उठेला नहीं किसी उठेला नहीं तो बाबू कौन आ बाबू बाबू मोल पर पड़े लगला जी आइसन गला नहीं को न कौन देखिया तो फाइनली पहुंच गए बिना बता के आए मम्मी पापा। वैसे उनको पता था कि संडे आएंगे, 2 दिन पहले पहुंच गए, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, एक्सपेक्टेड था, उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं 1 साल के बाद मिला और ये लोग 4-5 महीने के बाद, तो ऑब्वियसली उसके बाद हम वीडियो बनाना बंद कर दिए, स्पेशल मोमेंट था। और सीधा नेक्स्ट डे, और 1 साल में देखो कितना सारा चीज़ चेंज हो जाता है। हमारा ये जो गार्डन है इतना बड़ा बड़ा हो गया, पेड़ वेड़ केला वेला आ गया, पता नहीं क्या क्या बहुत बड़े बड़े हो गए सब। कितना आयुष्मान और मैं कल इधर क्रिकेट खेल रहे थे, ये छोटा सा गार्डन वाला। वैसे हम, मैं आपको मतलब घर का थोड़ा बहुत टूर बाद में दूंगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे काम भी चल रहा है, पता नहीं 3 साल से चल ही रहा है, धीरे धीरे करके ये सब चल रहा है, काम ये चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं, जब पूरा कंप्लीट होगा तो कभी एक दूसरा ब्लॉग में डिटेल में देंगे। लेकिन बहुत सारा पेड़ पौधे इधर है हमारा, इधर आम का पेड़, जैक फ्रूट, ऑरेंज, वही बॉल को बचा रहा था तो ये सब है। कल आयुष्मान इधर जुगनू दिखा देख रहा था, और ऐसे बटरफ्लाई तो घूमते ही रहते हैं, माहौल तो अलग ही रहता है। और बीच में कोई कोई बोल रहे थे ना, मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसा ही है, ये माहौल है उनका। मेरा बहन बहुत नज़दीक है, मौसी, सगी मौसी इधर जस्ट दूसरा स्ट्रीट में है, तो नेक्स्ट क्रॉस, तो वो सब जो बोलते हैं ना, उनका जो माहौल है इधर, अपने लैंग्वेज में बात करना, पूरा ग्रुप रहता है उनका एज ग्रुप का, वो सब डिस्कशन उधर जाके ना सिटी लाइफ में थोड़ा वो बोर हो जाते हैं ऑब्वियसली। सब तो सिर्फ बॉक्स टाइप का ही घर है ना। हाँ, फ्लैट ठीक है वैसा है, तो थोड़ा बोर तो हो ही जाते हैं। वो छोड़ो यार, मैं इधर आ जाता हूँ ना, और हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि इधर ही रह जाएं, लेकिन मजबूरी रहता है राइट, हमको कर्म भूमि तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग आते हैं, जब आते हैं हम फिर मिलके घूमते रहते हैं, फिर हम इधर आते हैं, इधर घूमते रहते हैं। हमारा वैसे प्लान है श्री जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है ब्लॉग लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। आयुष्मान बैट लेके रेडी हो जाएगा, अभी बोलता है इधर क्रिकेट खेलते हैं हम, फिर स्टम्प है उधर, हाँ इधर है स्टम्प बना के रखा है जुगाड़ वाला। हाँ इधर काम चल रहा है, तो थोड़ा बोलते ना मेस्ट अप है। चंदन मंदिर